कुछ दिन रुके। सुदामा सोचन लगे भैया जे इतनी बहुएं डोल रही है जकी नकी है। कन्हैया कहने लगे भैया जी सबसे एक भाभी है, कितने भी आके रे तूने 16108। तो सुदामा दूसरे चक्कर में पड़ गए, 16108 रानियां हैं और अगर इन्हें पांचों पांच रुपया दे तो गरीबी दूर वही धरी है। सुदामा कहने लगे भैया तो हम घर जाएंगे, भामिनी अकेली है, बच्चे अकेले हैं। कन्हैया कहने लगे ठीक है। सबसे पहले रुक्मणी आई, कहने लगी भैया नमस्ते, अब की बार आओ तो भाभी को साथ लेकर के आना चलेंगे। कन्हैया कहने लगे, सुदामा सोचने लगे ये बड़ी अतीता से छोटी तो कछु देख जाएंगी। जामती आई कहने लगी भैया अब की बार आओ तो बच्चों को लेकर के आना नमस्ते बेउचनी। और सुदामा सोचने लगे कोई तो नमस्ते करो, चलने लगे। कन्हैया ने चलते समय पुष्प दिया तो वह फूल देते सुदामा झुंझल आए जाए ओढ़े के बिछाए के घरे ले जाए, फूल को फेंक दिया। दोनों लोग वापस हुए। रातों ही रात में भगवान कन्हैया ने एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण कराया। जैसे ही कन्हैया ने नगरी का निर्माण कराया सुदामा लौट करके आए तो जहाँ झपड़िया पड़ी हती वहां बड़े बड़े महल बने हैं, जहाँ पर गाय थी वहां हाथी खड़े हैं। सुदामा बहुत सुंदर सी सुशीला 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है। सुदामा पूछने लगे तुम्हारी जैसी एक हमारी धर्म पत्नी और अति पहचान नहीं पाया। तो सुशीला कहने लगी प्रभु हम ही तुम्हारी धर्म पत्नी और बोली कि देव जी रातिया कही थी